महाराष्ट्र की सत्ता में हाल ही में हुए बड़े फेरबदल से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। शिवसेना के करीबी एकनाथ शिंदे ने ऐसी चाल चली कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से सीधे जमीन पर आ गिरे। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने वाली शिवसेना को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। अब नवी मुंबई नगर निगम में शिवसेना के 32 पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। इससे पहले ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। शुक्रवार को नवी मुंबई के 32 पार्षदों ने ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। पार्षदों ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे। उन्होंने कभी किसी के फोन कॉल को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि अगर एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता उन्हें फोन करता है तो वो कॉल रिसीव करते हैं, ये अच्छा लगता है। पार्षदों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर लिखा कि ठाणे, कल्याण, डोबिवली और नवी मुंबई के अधिकांश दादी नानी पूर्व पार्षदों के साथ शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाड़ी के पदाधिकारी और शिव सैनिक मुझसे मिले और हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के हिंदू समर्थक विचारों का समर्थन किया। शिंदे ने ट्वीट में रियल शिवसेना हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। उद्धव ठाकरे के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही ठाणे में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर समर्थन दिया था। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव नतीजों के बाद बगावत कर दी थी। वो शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचे, यहां से वो गुवाहाटी पहुंचे। यहां शिवसेना के और बागी विधायक भी उनके खेमे में पहुंच गए। शिवसेना में टूट के चलते उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं।